हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। और आज हम लोग बात करेंगे परकिंस ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी वर्सेस एसएससी इंडिया लिमिटेड के केस के बारे में, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने की पावर के बारे में डिस्कस करा। इस केस के अंदर एक टू जजेस बेंच थी जिसके मेंबर्स थे जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड करा कि कोई भी पर्सन जिसका एक इंटरेस्ट है डिस्प्यूट के आउटकम में जो कि आर्बिट्रेशन के अंदर लाई गई है, उस पर्सन के पास ये पावर नहीं होगी कि वो एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सके जिसको कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। अब इस केस के डिस्क्रिप्शन की ओर आते हैं, बैकग्राउंड की ओर आते हैं कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या था। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करी गई थी एक कंसोर्शियम ऑफ एप्लीकेंट्स के द्वारा, जिसके अंदर परकिंस ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स, जिनका जो कि एक आर्किटेक्चरल फर्म थी जिसका कि ऑफिस था न्यूयॉर्क में, और एडिफिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जिनका कि ऑफिस था मुंबई में, उन्होंने बिड्स अपनी सबमिट करी रिस्पॉन्डेंट्स के पास जो कि थे एसएससी लिमिटेड इंडिया। और उन्होंने कहा कि परकिंस और एडिफिस कंसल्टेंट्स जो है वो एक सक्सेसफुल बिडर्स है। उसके बाद उन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट के थ्रू यहाँ पे उन प्रोजेक्ट्स को जो है एप्लीकेंट्स को दे दिया। फिर जो लेटर ऑफ अवार्ड था उसको इशू करा गया एप्लीकेंट्स के फेवर में, और एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ एप्लीकेंट्स और रिस्पॉन्डेंट्स के बीच में। फिर जो क्लॉज 24 था उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसके अंदर ये दिया हुआ था कि जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है रिस्पॉन्डेंट कंपनी के यानी कि एचसीसी के, वो जो है सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है पार्टीज के बीच में, और उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद विद इन 6 डेज जब कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको साइन करा गया, सेट कॉन्ट्रैक्ट, जो रिस्पॉन्डेंट थी एचसीसी उसने ये कहा, एलेज करा कि ये एक फेलियर है एप्लीकेंट्स के पार्ट में परकिंस के, कि उन्होंने जो काम था उसको रोक दिया, उसको फॉलोअप ठीक से नहीं करा, उसको रोक दिया। लेटर उन्होंने एक टर्मिनेशन नोटिस इशू करा रिस्पॉन्डेंट्स के द्वारा इशू करा गया एक टर्मिनेशन नोटिस, ये कहते हुए कि नॉन कंप्लायंस था, कॉन्ट्रेक्चुअल एबिलिटी थी ऑन द पार्ट ऑफ एप्लीकेंट जो कि परकिंस थी, जो कि डिनाई करते हैं एप्लीकेंट्स को कि वो अपना वो ठीक से ना कर पाए। हाउएवर जो टर्मिनेशन लेटर इशू किया गया था बहुत लेट से, इसको जो है इशू किया गया बहुत मच लेटर इशू किया गया। देयर आफ्टर एक नोटिस इशू करी गई एडवोकेट्स के, एप्लीकेंट्स के एडवोकेट्स के द्वारा, इन्वोक करते हुए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज को, जो आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता है उसको। इसके अंदर जो क्लॉज 24 था कॉन्ट्रैक्ट का, जो डिसीजन है इन रिस्पेक्ट की एक नोटिस रिक्वायर्ड है जो कि 1 महीने के अंदर आपको देनी है, पर जो कम्युनिकेशन जो इशू किया गया रिस्पॉन्डेंट्स के द्वारा वो 30 दिन के बाद था इंटीमेट करने की उस रिप्लाई नोटिस को, जो कि 30 डेज के अंडर सबमिट की जानी चाहिए थी। ये जो यहाँ पे नॉन कम्प्लायंस टर्मिनेशन नोटिस का जो इशू था इसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि 30 डेज के बाद इन्होंने ये करा, लेकिन उसके अंदर 30 डेज के विद इन ये काम करने की ज़रूरत थी। अब इस चीज़ की जो अपील थी कि ये जो एप्लीकेंट्स थे वो एक जो कि इंजीनियरिंग फर्म थी, उन्होंने ये कहा कि जो क्लॉज 24 है वो एक कम्प्लीट फेलियर है डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग के डिस्चार्ज के, उसमें अपने ऑब्लिगेशंस के इन सेट 24 क्लॉज में। देयरफॉर उन्होंने कहा कि जो लेटर एड्रेस किया गया था एप्लीकेंट्स को, उसके अंदर जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है और जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको कॉल अपॉन किया गया सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए क्लॉज 24 में। हाउएवर कोई अपॉइंटमेंट नहीं करा गया आर्बिट्रेटर का विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, जो 30 दिन का टाइम पीरियड था उसके अंदर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं किया गया, बट एक लेटर जो है इशू कर दिया गया ये कहते हुए 1 महीने बाद कि जो चीफ जनरल मैनेजर है रिस्पॉन्डेंट्स का, जो कि वन जनरल केटी गजारिया हैं, उनको सोल आर्बिट्रेटर बनाया जाता है। यहाँ पे ये हो गया 30 दिन के बाद हुआ ये सब कुछ। यहाँ पे फिर जो अग्रीव वो थी, उन्होंने कहा कि ये नॉन कम्प्लायंस है क्लॉज 24 का, क्योंकि जो सेड आपका वो था टाइम पीरियड एक तो वो निकला, और उसके बाद एप्लीकेंट्स अंडर सेक्शन 11 क्लॉज 6 रेड विद सेक्शन 11(2) ऑफ आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट 1996 में, उन्होंने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर है अब कि वो अपॉइंटमेंट सीक करे सोल आर्बिट्रेटर के इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, क्योंकि जो कि उन्होंने सोल आर्बिट्रेटर अपना जब उनको अपॉइंट करना था 30 दिन के अंदर वो नहीं अपॉइंट करा, तो अब जो है ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होनी चाहिए। उन्होंने इस चीज़ के लिए केस फाइल करा। अब इशूज़ की जब बात आती है तो सबसे पहला इशू कोर्ट के सामने ये था कि क्या ये जो आर्बिट्रेशन है वो एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है या फिर नहीं, और दूसरा इशू ये था कि ये जो केस बनाया गया है वो पावर जो कोर्ट के पास है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की, क्या वो है कि नहीं है कोर्ट के पास पावर।
यहाँ पे जो पिटिशनर्स के आर्गुमेंट थे उन्होंने ये कहा कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट यूं तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए, लेकिन जो कि रिस्पॉन्डेंट्स के जो चेयरमैन और वो थे वो लोग अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाए स्टेबिलेटेड टाइम पीरियड के अंदर, इसीलिए एप्लीकेंट्स के पास ये पावर है कि वो सेक्शन 11 के अंदर जाकर सुप्रीम कोर्ट के पास एप्लीकेशन डालें आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के लिए, बिकॉज इन लोगों ने अपना जो टाइम पीरियड था उसके विजन नहीं करा। फिर उनका ये भी कहना था कि जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके रिस्पॉन्डेंट के, वो इंटरेस्टेड होंगे डिस्प्यूट के आउटकम में और जो डिसीजन आता है उसके रिस्पेक्ट में जो डिस्प्यूट का होगा, और देयरफोर उनके अंदर एक इम्पार्शियलिटी नहीं हुई होगी ये डिसाइड करने में कि अगर वो किसी भी बंदे का अपॉइंट करते हैं तो वो ठीक तरीके से एजुकेशन प्रोसेस को कर पाएगा। उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था अंडर TRF लिमिटेड वर्सेस एनर्जीगो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 2017, उन्होंने उस चीज़ पर रिलाय करते हुए ये बात बोली कि यहाँ पे जो मैटर है वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का है, क्योंकि कंसोर्शियम एग्रीमेंट जो एंटर किया गया था एप्लीकेंट्स वन के बीच में उसके अंदर एप्लीकेंट वन को लीड मेंबर बनाया गया था कंसोर्शियम का, इसका मतलब जो परकिंस ईस्टमैन है जिनका कि हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में था, अगर वो बंदे लीड हैं तो इस वजह से जो एक तरीके से इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक फॉरेन पार्टी इन्वॉल्व है और जो एडिफिस वाले बंदे हैं वो कहीं ना कहीं सेकेंड उस पर आते हैं, फर्स्ट उसमें नहीं आते, कंसोर्शियम को लीड फॉरेन कंपनी कर रही थी इसलिए। उसके बाद रिस्पॉन्डेंट्स ने ये आर्ग्यूमेंट दिया, HCC जो कंपनी थी उसने ये आर्ग्यूमेंट दरा कि जो कि PDF रिक्विजिशन जो है एक्सपायर कर गया था फ्राइडे को और जो आर्बिट्रेटर था उसको अपॉइंट करा गया फर्स्ट अवेलेबल वर्किंग डे पे देयर आफ्टर, तो ये कहीं ना कहीं सही से उनका मैनेजर जो है अपॉइंट किया गया है क्योंकि वर्किंग डेज नहीं बचे थे इसलिए उनसे देर हो गई अपॉइंट करने में। उन्होंने कहा जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा वो केवल चीफ जनरल मैनेजर है इन सच, उनके अंदर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मिटीज नहीं है जो कि कहा जा रहा है पिटिशनर्स के द्वारा, और वो कम्प्लीटली नॉन एग्जिस्टेंस है। फर्दर उन्होंने कहा कि जो इंस्टेंट मैटर है उसके अंदर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के एज सच क्लॉज 9 के अंदर कोई भी बात जो है नहीं आती है कि जो कंसोर्शियम एग्रीमेंट थी उसके जो एप्लीकेंट्स हैं वो जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए, इसीलिए जो दोनों कंपनीज हैं उसके अंदर ये बोल पाना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा कि ये कंपनी लीड कर रही है ये कंपनी लीड नहीं कर रही, तो इसमें इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का कोई भी फंडा नहीं आता। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी ऐसा केस लॉ है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में डाउन बिलो जरूर मेंशन करिए। अब चलिए इस वीडियो की ओर आगे आते हैं जजमेंट की ओर। इस केस के अंदर जो पहला इशू था उसके अंदर ये पूछा गया था कि क्या ये एक जो केस है ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है या फिर नहीं। यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि जो लीड मेंबर था कंसोर्शियम एग्रीमेंट का एप्लीकेंट नंबर वन वो रजिस्टर्ड ऑफिस उसका था न्यूयॉर्क में और वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता था सेक्शन 2 क्लॉज 1F की ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 जो कि इस प्रेजेंट केस के अंदर इसको एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बनाती है। ऑनरेबल कोर्ट ने फर्दर ये नोट करा कि अगर ये जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की नहीं होती तो सेक्शन 11 क्लॉज 6 के अंदर रेड विद 11 क्लॉज 12A के अंदर वो इस पर्टिकुलर केस को देख ही नहीं सकती थी क्योंकि 11 क्लॉज 6 के अंदर कोर्ट के पास ये पावर होती है कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में तो कोर्ट जो है यहाँ पे आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है, 11 क्लॉज 6 के अंदर ये प्रोविजन दिया हुआ है। फर्दर कोर्ट ने ये कहा कि जो जजमेंट था TRF लिमिटेड का उसके ऊपर रिलाय करते हुए कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जहाँ पर केवल एक पार्टी है जिसके पास ये राइट है कि वो सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सके तो वो उसकी चॉइस होती है कि वो एक एलिमेंट ऑफ एक्सक्लूसिविटी रखे इस चीज़ को डिटरमाइन करने में कि कैसे आर्बिट्रेशन चलेगा या फिर उस चीज़ का कोर्स डिसाइड करने में कोर्स स्टार्ट करने में कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा कैसे। फर्दर उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कि इंटरेस्ट है आउटकम में आर्बिट्रेशन की या फिर जो डिसीजन होगा डिस्प्यूट का उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं होनी चाहिए कि वो सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सके जिस पर्सन के पास इंटरेस्ट है आउटकम में, और अगर ऐसा होता है तो वो गलत होगा और ये सब जो है एसेंस है अमेंडमेंट्स का जो कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन अमेंडमेंट 2015 द्वारा लाया गया और रिकॉग्नाइज किया गया है कोर्ट के द्वारा इन द केस ऑफ TRF लिमिटेड। उसके बाद कोर्ट ने अपने एक और जजमेंट को रेफर करा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वर्सेज राजा ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर जस्टिफाइबल डाउट्स हैं इन एज टू द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ अ पर्सन
जिसको क्या एज आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है, और अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेज आते हैं जहां पे जरूरत पड़ती है कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर को उसको इग्नोर कर दिया जाए जो कि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है, तो ऐसे अपॉइंटमेंट को कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा ही मेड किया जाना चाहिए ताकि जो इम्पार्शलिटी और इंडिपेंडेंस है आर्बिट्रेटर्स की उसको कहीं ना कहीं नेसेसिटेट किया जा सके या फिर उस चीज को एनफोर्स किया जा सके प्रॉपरली। फर्दर जो सेकंड इशू था जहाँ इस बारे में बात थी कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है वो सही था या नहीं, वहां पे कोर्ट ने उस लेटर के इफेक्ट को एनल कर दिया जो कि रिस्पॉन्डेंट ने भेजा था सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हुए, और कोर्ट ने खुद का एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा पूरे मैटर को एडजुडिकेट करने के लिए दोनों पार्टी के बिटवीन में। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो अपॉइंटमेंट है आर्बिट्रेटर का वो सब्जेक्ट होगा मैंडेटरी डिक्लेरेशन के लिए अंडर द अमेंडेड सेक्शन 10 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, और उसको अपनी पूरी एबिलिटी डिवोट करनी पड़ेगी कि वो सफिशिएंट टाइम के अंदर आर्बिट्रेशन कंप्लीट करे जो कि सेक्शन 29A के अंदर दिया हुआ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर सर्कुलेट करिए। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।